हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील कुमार जूनियर आईएएस प्रोग्राम में आप लोग का स्वागत करता हूं। हमारी संस्था ने खासकर आप लोगों को ध्यान में रखकर एक नए बैच को लॉन्च किया है, जिसके तहत हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हम अपने बेसिक को मजबूत करेंगे। उसके लिए हमें एनसीईआरटी को जो बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा, बहुत बारीकी से पढ़ना होगा और एनसीईआरटी के महत्व को समझना होगा, ताकि आने वाला टाइम में, यानी वर्तमान टाइम में आपको जो है चीज़ें बहुत क्लियर भी हो और आने वाले टाइम में भी चीज़ें क्या हो, आपका जो बेसिक बहुत मजबूत बन जाए। जिसके लिए हम कक्षा 6 से लेकर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि हर शब्द का मतलब आप समझ सकें, क्योंकि आपके फ्यूचर का नींव यहीं से पड़ेगा। आने वाले भविष्य में आप कितना बेहतर करेंगे वो यहीं से जो है डिफाइन हो जाएगा। जितना बेहतर आप जो है यहाँ सीखेंगे, जितना बेहतर आप यहाँ पे जो है समझेंगे, उतना ही बेहतर आपका फ्यूचर होगा। तो अगर आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं या कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बेस जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। और बेस हमारा बनता है यहीं से। आप जिस एज में हो, जिस पड़ाव में हो, वो आपका गोल्डन पीरियड है। आप में सीखने की एक अद्भुत क्षमता है, ये एक अद्भुत कला है। आप जो है अभी लर्निंग मोड पे हो, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो बेहतर बनाने के लिए हमें चीजों को समझना होगा, और चीजों को समझने के लिए हम चीजों को जितना सरल भाषा में, जितनी आसान भाषा में चीजें कैच करेंगे, उतनी ही जल्दी हम समझ जाएंगे। तो चलिए, इसके तहत हम शुरू करते हैं अपना एनसीईआरटी बेस जूनियर आईएएस प्रोग्राम, ठीक है, जिसके तहत मैं आज आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, यानी मैं भूगोल पढ़ाऊंगा। और भूगोल में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 के चैप्टर 1 से। कक्षा 6 का जो चैप्टर 1 है, उसका जो शीर्षक है वो आपका है सौर मंडल में पृथ्वी। अब देखिए, बात यहां आएगी सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है, सबसे पहला सवाल ये है। तो सौर मंडल क्या है, इसके लिए हम देखते हैं यहां पे जो आपके बुक में ही दे रखा है, आपके किताब में ही दे रखा है कि सौर मंडल क्या है। तो हम देखेंगे थोड़ी सी झलक हमको मिलती है यहाँ पे हमारे सौर मंडल की, यानी कि कह सकते हैं कि वो तारा जो स्वतः ही चमकता हो और उस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसके चारों तरफ ग्रह अपने पथ पर परिक्रमा करते हो, वह उसका सौर मंडल कहलाता है। अब जो ग्रह है जिस सौर मंडल में होता है, वह उस ग्रह का सौर मंडल कहलाता है। तो हम आज बात करेंगे किसके, हम बात करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद उसमें धीरे धीरे तारे निकलते हैं, तारे दिखने शुरू होते हैं। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है, आप इनकी गणना नहीं कर सकते। देखिए, जैसे जैसे दिन ढलता है, यानी जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे हमें आकाश में क्या है कि एक एक तारे टिमटिमाते नजर आने लगते। जिनकी रोशनी ज्यादा होती वो पहले दिख जाते, जिनकी रोशनी कम होती वो बाद में दिखते हैं। जैसे जैसे अंधेरा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी लिखा इसमें, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी संख्या ज्यादा होती दिख जाएगी। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, क्योंकि संपूर्ण आकाश में क्या हो जाएगा, तारे तारे नजर आएंगे, क्योंकि रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई है। जिनमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हों,
जब हम आकाश को देखते हैं रात में अंधेरे में देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, और इन तारों की जो टिमटिमाहट होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में क्या है कि चारों तरफ हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। जो जितने हमारे पास होगा यानी जो जितना पृथ्वी के समीप होगा आकाश में, उसकी जो है चमक ज्यादा दिखेगी, और जो जितना दूर होगा उसकी चमक क्या होगी, हमें कम दिखेगी। इसी वजह से कुछ तारे हमें टिमटिमाते दिखते हैं और कुछ तारे हमें जो है उनकी टिमटिमाहट में अंतर दिखता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चांद के समान चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चांद को भी देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप संपूर्ण चांद को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अब देखिए शब्द क्या है, पूर्णिमा। अब शब्द हमारा जो आया है क्या आया है, यह आया है पूर्णिमा। ठीक है, शब्द हमारा क्या आया है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा किसे कहते हैं, जिस रात में चांद हमें आकाश में पूरी तरह दिखता हो। जिस रात में हम देखते हैं कि चांद हमें कभी जो कटा हुआ दिखता है, कभी उसका आधा हिस्सा दिखता है, कभी आधे हिस्से ज्यादा दिखता है, यानी कई शेप में हमको चांद दिखता है। हम देखते हैं कभी कभी चांद हमको इस शेप में दिखेगा, कभी कभी हम देखते हैं चांद हमको इस शेप में दिखता है, कभी कभी हम देखेंगे चांद हमको जो सिर्फ एक पतली धारी में दिखता है। तो ये हमारा क्या है कि ये आधा चांद है। जब हमें चांद पूरा दिखेगा यानी पूरी इसकी गोलाई शेप में होगी, तब हम उसे कहेंगे, उस रात को बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चांद की रात या अमावस्या होती है, यानी कि 15 दिन बाद क्या होगा कि एक बार जो है 15 दिन में एक बार आपको पूरा दिखेगा, फिर धीरे 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 क्या होगी उसकी जो है गोलाई घटती जाती है, और 15 दिन बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब चांद पूरी तरह से एक दिन के लिए गायब हो जाता, हमें नजर नहीं आता, वो काला एकदम हो जाता, यानी कि हम उसको देख नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं अमावस्या की रात। फिर धीरे धीरे क्या होता है, चांद निकलना शुरू होता है, पहले इस तरह निकलेगा, फिर इस तरह करते 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 15 दिन बाद फिर वो पूरी तरह से दिख जाता है, पूरे गोलाई में दिख जाता है, तो हम उसे बोलते हैं पूर्णिमा की रात। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारा चांद, ये क्या है, ये हमारा चांद है, और ये चांद है जो कि आप जब दूरबीन से देखा जाएगा तो चांद ऐसे दिखेगा, इसमें गड्ढा युक्त होगा, डार्क होंगे, जहां गहरी जगह होगी वो काला होगा, जहां ऊंचाई होगा वहां रोशनी ज्यादा होगी। ठीक, बात करते हैं वहां आगे। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सही बात है कि जो सूर्य की रोशनी है वो कैसी है, वो बहुत तेज है। सूर्य की रोशनी कैसी है, बहुत तेज है, और चंद्रमा की रोशनी और बाकी तारों की रोशनी कैसी है, बहुत स्लो है, यानी तेज नहीं है, चमकीले नहीं है। तो सूर्य की रोशनी में यानी दिन के टाइम में इनकी रोशनी हमको नहीं पर दिखाई देती, लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी चली जाती है, रात का टाइम आता है, तो इनकी रोशनी यानी इनकी टिमटिमाहट हमें दिखने लगती है। जैसे कि अगर एक कमरे में कोई बल्ब जल रहा हो और हम उस कमरे में एक मोमबत्ती भी जला के रख दें, तो क्या हमें मोमबत्ती का प्रकाश दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि उस बल्ब का प्रकाश बहुत तेज है, तो इसलिए मोमबत्ती का प्रकाश नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे हम बल्ब को बंद करेंगे
तो हमें कमरे में क्या होगी, मोमबत्ती का प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जैसे ही सूर्य की रोशनी यानी रात होती है यानी सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, मंद हो जाती है, वैसे ही हमको क्या होते हैं, आकाश में तारे नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड, क्या कहते हैं इसे, खगोलीय पिंड, क्या कहते हैं इसे, खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं यानी वो सभी तारों की बात कर रहा है, वस्तुओं का मतलब यहाँ पे वो सभी तारों की बात कर रहा है जो रात में के समय क्या होता है, आसमान में हमें चमकती दिखाई देती है, उन्हें हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। अब बात करते हैं कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं, इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या है, ये गैसों से बना हुआ है, इसके पास अपना खुद का एक प्रकाश है, क्या है, खुद का एक प्रकाश है। सूर्य भी एक तरह का तारा है, ठीक है, जिससे वह बहुत बड़ी मात्रा में, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। किसकी बात कर रहा है, ऊष्मा तथा प्रकाश की बात कर रहा है। यानी कि जो खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और वे गैस से बने होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सूर्य भी कैसे बना, गैसों से बना है। सूर्य के पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश है, सूर्य के पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश है, ठीक है। तो सूर्य का एक तरह का खगोलीय पिंड है और इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होने की वजह से इसे भी एक तारा कहा जाता है, ठीक। तो सूर्य का एक तरह का तारा है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही, सूर्य के समान ही है, लेकिन हम हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कि बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनके पास खुद की क्या होती है, ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, जो गैसों से बने होते हैं, लेकिन सूर्य हमारे पास है इसलिए हमें इसका प्रकाश, इसकी ऊष्मा यानी गर्मी हमें महसूस होती है। लेकिन और भी जो सूर्य की तरह चमकदार जो तारे हैं वो आकाश में हमसे बहुत दूर, यानी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए हम उनके ना तो प्रकाश को देख पाते हैं या और ना उनकी ऊष्मा को महसूस कर पाते हैं। सिर्फ वो हमको आकाश में रात के समय टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक, महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब दूर है तो छोटे दिखाई पड़ेंगे। आप अपने आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अधिक ऊंचाई पर खड़ा कर अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। एक एग्जांपल के तौर पे, जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो वो हमको छोटी दिखती है, लेकिन जब वही वस्तु हमारे पास होती है तो हमें बड़ी दिखती है। जैसे अब जो आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, तो जब हवाई जहाज आकाश में होता है तो हमको एक खिलौने का आकार का दिखता, लेकिन जैसे वो जो जमीन पे लैंड करता है, जमीन पे उतरता है, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर तारे जो हमारे पास है यानी पृथ्वी के समीप है, वो बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, उनकी ऊष्मा और उनकी जो है प्रकाश को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत दूर है वो हमको क्या हो, छोटे प्रतीत होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, ठीक। रात्र में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है,
कि तारों के समूह द्वारा बनाए गए आकृति को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। किसके समूह के? देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विविध समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों का वह समूह जो किसी ना किसी आकृति के क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई तारा है यहाँ पे, कोई तारा यहाँ पे, ऐसे करके करते करते जब कोई आकृति हमको दिखती है, यानी हमारी एक आकृति दिख गई हमको, ये हमारा एक नक्षत्र मंडल हो गया। ठीक है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अरसा मेजा या बिग बियर इस प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक, तो आप देखेंगे अरसा मेजा या बिग बियर क्या है, एक तरह का नक्षत्र मंडल है जिसको हम आकाश में बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। उसी तरह से सप्तऋषि यानी सात ऋषियों का समूह, जैसे कि हम लोग देखते हैं आकाश में अक्सर देखते होंगे कि जो है कुछ तारा इस तरह से हमारा क्या है, सप्तऋषि का निर्माण करते हैं। ये तीन चार सात यानी ये कुछ इस तरह से आकृति बनाते हैं, प्रश्नवाचक आकृति बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हैं सप्तऋषि। ठीक है, यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अरसा मेजा का भाग है। किसका भाग है? अरसा मेजा का भाग है। देखिए चित्र में दिखा रखा है ये वाला, यानी ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा सप्तऋषि वाला भाग है, और जो हमारा ये है, ये जो बना है, ये हमारा जो है अरसा मेजा, यानी ये वाला जो हमारा नक्षत्र मंडल है क्या है, अरसा मेजा का है। ठीक है, और जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि समूह है, वो क्या है, वो जो है अरसा मेजा का ही एक भाग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह सात तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अरसा मेजा का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे हम कहते हैं ना कि उत्तरी ध्रुव का तारा या ध्रुव का तारा। तो जो उत्तरी ध्रुव में तारा है वो हमारा हमेशा उत्तरी ध्रुव में दिखता है, ध्रुव के ऊपर ठीक दिखता है। वो हमारे किस दिशा को बताता है, वो हमारे बताता है कि उत्तर दिशा हमारा इस तरफ है। कब बताएगा? रात के समय। रात के समय हमारा सूरज हमको दिखता नहीं तो पूरा पश्चिम पता नहीं चल पाता, और पूरा पश्चिम नहीं पता चल पाता तो उत्तर दक्षिण नहीं पता चल पाता। लेकिन जो तारा बहुत चमकीला और ध्रुव के पास चमकता है वो हमारा उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर में होता है, तो हमारे उत्तर दिशा को क्या करता है, बताता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। अब देखिए यहां समझने वाली बात है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तारों और ग्रह में अंतर ये दिया हुआ, समझिए बात को। तारा कैसा होगा? गैसीय गोला होगा, जिसके पास खुद का प्रकाश होगा, जिसके पास खुद की ऊष्मा होगी। क्या होगा? पहला तो गैसीय गोला होगा। क्या होगा? ये गैसीय गोला होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, खुद का प्रकाश होगा, और तीसरा, खुद की ऊष्मा होगी। ये जब तीनों चीजें होती हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं तारा। लेकिन अगर किसी के पास अपना जो है क्या है, कोई ग्रह, कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है जो गैस से ना बना हो या गैस से बना हो, कोई पिंड है जो गैस से ना बना हो या गैस से ही बना हो, लेकिन उसके पास क्या है
कि ना तो अपना प्रकाश है ना तो अपनी ऊष्मा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रह। क्या बोलेंगे? ग्रह। यानी कि कोई पिंड हो, चाहे वो गैसीय पिंड हो, ठीक है, लेकिन उसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रह। ठीक, तो ग्रह और तारे में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, गुड। ग्रह कहते हैं, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पारिश्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक, ग्रह का मतलब जो है, ग्रह हमारा जो है हिंदी शब्द है, और ये किससे लिया गया है, ये हमारा जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पारिश्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। अब कैसे ग्रह है? जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि कोई खगोलिकी पिंड हो जिसके पास अपनी ना तो ऊर्जा हो और ना प्रकाश हो, तो वो ग्रह कहलाएगा। अगर उसके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है तो तारा कहलाएगा। तो पृथ्वी हमारी है, हमारी पृथ्वी के पास ना अपनी ऊर्जा है ना प्रकाश है, तो हमारा पृथ्वी क्या कहलाएगा? यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सूर्य, जो कि तारा है, जो हमें दिन में दिखता है। क्या प्राप्त करता है? अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। इसीलिए हमको दिखता है, बड़ा दिखता है, उसकी रोशनी पूरी तरह से पृथ्वी पे आती है। इसीलिए यहां पृथ्वी पे क्या होता है? दिन होता है, और उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी रोशनी के सामने आकाश में हमें कोई दूसरा तारा नजर नहीं आता। ठीक, पृथ्वी को बहुत अधिक दूर, पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चांद की सतह चांद की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हमको पृथ्वी देखनी हो कि पृथ्वी में खुद की रोशनी है कि नहीं है, तो हम जैसे पृथ्वी से सपोज करिए चांद पे जाते हैं, तो चांद से जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो जैसे हमको रात में चांद दिखता है सफेद, कैसा दिखता है? सफेद दिखता है, चमकता हुआ, उसी तरह से हमें पृथ्वी भी दिखेगी, क्योंकि पृथ्वी के पास भी अपनी क्या है, ना तो ऊष्मा है ना तो प्रकाश है, और चांद के पास भी अपनी ना तो ऊष्मा है ना तो प्रकाश है। सूरज के पास अपनी ऊष्मा भी अपना प्रकाश भी है, और सूरज जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने की वजह से पृथ्वी अपना सारा ऊष्मा और सारा प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। इसीलिए रात में क्या होता है कि रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमको जो आकाश में वो सारे तारे दिख जाते हैं जो कि 24 घंटा मौजूद रहते हैं, लेकिन जैसे सुबह होती है, दिन होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे आकाश में फैलता है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज है क्योंकि हमारे नजदीक है, रात के टाइम जो तारे हमको दिख रहे होते हैं वो दिन में गायब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चांद भी हैं। अब इस बात को बड़े ध्यान समझिएगा। देखिए, तारा और ग्रह में क्या अंतर है? तारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, स्वयं ऊष्मा उत्पन्न करता है, वो किसी से लेता नहीं बल्कि देता है। ग्रह के पास अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वो अपने नजदीक के तारे से ले लेती है, जैसे पृथ्वी सूरज के नजदीक के सूरज से ले लेती है। अब उपग्रह
उपग्रह वो उस पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाती हो। क्या करती हो? जो किसी ग्रह का चक्कर लगाती हो। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का ये क्या हो गया? उपग्रह हो गया। पूरे जो हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सात अन्य ग्रह और भी हैं। पृथ्वी को लेकर कुल आठ ग्रह हैं जो सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश और ऊष्मा प्रदान कर प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के समान भी अन्य ग्रहों के पास अपने अपने चांद हैं। तो जो उनके चांद है वो उस ग्रह के उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चांद है। और चांद सूरज, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और सूरज क्या? एक तारा है। ठीक। अब यहीं से बात करेंगे सौर मंडल की। क्या बात करेंगे? सौर मंडल की। सूर्य आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। देखिए फिर से पढ़ते हैं। सूर्य आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूरज है। तो चलिए देख लेते हैं सौर मंडल को। ठीक, सौर मंडल को देखेंगे। तो ये हमारा है सौर मंडल। देखिए थोड़ा सा इसमें डायग्राम क्या है कि टेढ़ा है, लेकिन क्या है इसे कहेंगे, हाँ अब देखिए ध्यान से, ये जो हिस्सा है ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसके ठीक नजदीक हमारा बुध है। और ये सफेद सफेद आप देख रहे हैं, ये इनका पाथ है, यानी इनका ये मार्ग है। अपने मार्ग पे ही चलते हैं। ग्रह की एक विशेषता और भी है कि वो अपने निश्चित मार्ग पे ही क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अपने मार्ग से वो नहीं भटकते। जो अपने मार्ग से भटक जाता उसे ग्रह नहीं कहा जाता। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह हो, कोई ऐसा पिंड हो जो कि किसी ग्रह की क्या कर रहा हो? परिक्रमा करता हो, ये उपग्रह कहलाएगा। अगर किसी तारे की परिक्रमा करता हो तो ग्रह कहलाएगा। लेकिन अगर यह जो है अपने मार्ग को बदल देता हो, मान लीजिए कभी यहां से घूमता हो, कभी ये यहां से चला जाता हो, कभी ये यहां से चला जाता हो, ऐसे घूम रहा हो, तो हम इसको ग्रह नहीं कहेंगे। तो सूर्य और उसके ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य है ये हमारा, जो रेड हमारा ये सूर्य है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बुध है। और जो सफेद सफेद लाइन दिख रही है ये इसका क्या है? ये इसका पथ है। इसी पे ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। उसके बाद हमारा अगला जो है वो शुक्र है। शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, और मंगल के बाद देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी है ये क्या है? इसमें छोटे छोटे क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ये ग्रह के टुकड़े होते हैं। ये क्या है? ये ग्रह के टुकड़े हैं और ये बहुत छोटे छोटे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद क्या है? बृहस्पति है। उसके बाद हमारा शनि है। उसके बाद हमारा क्या है? यूरेनस है। और उसके बाद हमारा क्या है? नेपच्यून है। नेपच्यून है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? कुल आठ ग्रह हैं। और इसका जो मुखिया कौन है? सूर्य है। और सूर्य क्या है? ये तारा है। और बाकी सारे क्या है? ये ग्रह या क्षुद्र ग्रह है। ठीक, समझ में आया। तो इनका जो क्रम है, सबसे जो नजदीक का तारा है ये हमारा है बुध है, सॉरी सूर्य के नजदीक जो सबसे है ये हमारा बुध है। बुध के बाद हमारा शुक्र है। शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हमारा मंगल है। मंगल के बाद हमारा बृहस्पति। याद रखिएगा
मंगल और बृहस्पति के बीच में एक चौड़ी पट्टी है और ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। कैसी ग्रह की पट्टी है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये सब के सब क्या है? एक तरह के पिंड है। कैसे पिंड है? ये ग्रह के टूटने के बाद जो बिखरे पिंड है आकाश में, वो पिंड है। ठीक है, बृहस्पति के बाद हमारा क्या है? हमारा शनि है, और शनि के बाद हमारा क्या है? यूरेनस है, यूरेनस के बाद हमारा क्या है? नेपच्यून है। तो ये हमारे क्या है? सौर मंडल, यानी सूरज के जो सौर सूरज का जो ये सारे के सारे क्या है? ये ग्रह है। और इसका मुखिया क्या है? इसका मुखिया सूर्य। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और कोशिश करिए लिख लेने की, क्योंकि इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सौर परिवार हम समझ लिए। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, सौर मंडल समझ लिए। तो सौर मंडल देखा हमने, सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। मैंने क्या कहा था? खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते, जिसका मुखिया क्या है? जिसका मुखिया हमारा है सूरज। ठीक है, अब सूरज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी सूर्य हमारा यहां पर है और इसके चारों तरफ क्या है कि ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके चारों तरफ ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, यानी इसके चारों तरफ जो है ग्रह अपने पथ पे क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। इसको चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। और क्या है? ये आकार में बहुत बड़ा है और किससे बना है? गैसों से बना है। किससे बना है? गैसों से बना है। ठीक है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखते हैं, रखता है। यानी इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है खिंचाव। चुंबक देखे आप लोग, तो चुंबक में क्या होता है? एक खिंचाव बल होता है। ठीक उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो सूर्य इतना बड़ा है कि किसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, खिंचाव बल है, ये जो आठों ग्रह उनको बांधे रखता है, उनको जो बाहर नहीं जाने देता है। और वो आठों ग्रह अपने पथ पे सूरज के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं तथा सूरज से ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्रदान कर रहे हैं। ठीक, चलिए, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हम सबसे बहुत या हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब समझिए, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बाद भी हम उसकी जो है गर्मी को महसूस कर सकते हैं, हम उसके प्रकाश को देख सकते हैं। तो अंदाजा लगाइए कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा और कितना गर्म होगा, कितनी रोशनी होगी। ठीक है, तो सूर्य क्या है? मुखिया है सौर परिवार का, और सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों को सूर्य बांध के रखता है अपने खिंचाव बल से। कैसे बांध के रखता है? खिंचाव बल से बांध के रखता है। ठीक, ये पृथ्वी से कितना दूर? लगभग ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए अब ग्रह के बारे में बात करते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। देखिए, मैं थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया था, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। मैंने बताया भी सूर्य से दूरी के अनुसार, तो जो सबसे सूर्य के पास में है, मान लीजिए सूर्य है, इसके पास में सबसे पहले हमारा बुध है, फिर हमारा है शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर हमारा मंगल है, ठीक, फिर हमारा है बृहस्पति है, बृहस्पति है, फिर हमारा है शनि है, और फिर हमारा है यूरेनस, और फिर नेपच्यून। तो हमारा ये क्या है? ये हमारा सूर्य से नजदीकी, यानी सूर्य से नजदीकी के क्रम में जो सबसे नजदीक वो सबसे पहले, जो सबसे नजदीक क्या है वो सबसे पहले कौन सा? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस और नेपच्यून है। सौर मंडल का सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर
लगाते हैं, मैंने भी बताया था आपको। सारे ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगा रहे, एक निश्चित पथ है, उनका पथ क्या है, अनिश्चित नहीं है। सेंटर में क्या है, केंद्र में क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, आठों ग्रह एक निश्चित पथ पर उसके चारों तरफ घूम रहे, परिक्रमा कर रहे, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, ये रास्ते दीर्घाकार दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कच्छ कहलाते हैं, उन ग्रह का कच्छ कहलाते हैं जो ग्रह उस पथ पे घूम रहे हैं। जैसे पृथ्वी जिस पथ पे अपने सूर्य की परिक्रमा करती है, ये पृथ्वी का कच्छ, जिस जो पथ पे मंगल जो परिक्रमा कर रहा है वो मंगल का कच्छ। इसी तरह से आठों ग्रह के अपने अपने कच्छ है, वो अपने कच्छ में ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, कारण क्या है, सूर्य का खिंचावल, सूर्य का खिंचावल, इसीलिए सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेता लगता है, किसको, बुध को। बुध क्योंकि सबसे नजदीक का तारा है, कहां है, ये सूर्य के बिल्कुल, ये सूर्य है तो उसके जस्ट बाद में हमारा क्या, बुध है, तो बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, यानी अपनी पथ पर सूर्य का जब ये चक्कर पूरा करता तो कितना दिन होता है, 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो शुक्र है यानी दूसरे नंबर का ग्रह, सूर्य से दूरी के मामले में दूसरे नंबर का ग्रह जो हमारा शुक्र है, और शुक्र के बाद पृथ्वी है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके आकार की वजह से, किसकी वजह से, इसके आकार एवं आकृति की वजह से, क्योंकि ये दोनों आकार एवं आकृति में लगभग लगभग सेम है। अब देखते हैं आगे, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल के पिंड, जिसको हम बोलते हैं UB313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। कारण क्या है कि मैं बार बार बोलता हूं कि ग्रह की परिभाषा होती है, ग्रह की क्या होती है, परिभाषा होती है, तो ग्रह किसी तारे का चक्कर काटता है, पहली विशेषता। दूसरा, उसका जो पाथ होता है यानी पथ होता है वो निश्चित होता है, वो अपने पथ से नहीं भटकता, और अगर कोई ग्रह अपने पथ से भटक जा रहा हो, अपने पथ को नहीं फॉलो कर रहा उसका चक्कर लगाने में उस तारे का, तो हम उसे ग्रह नहीं मानते। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इन दोनों ग्रह, इसको जो है ग्रह नहीं कह के क्या बोला कि बौना ग्रह कह। ठीक, अब अपनी पृथ्वी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, मैंने बताया था अभी, सबसे पहले नजदीक में कौन सा, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तो दूरी के हिसाब से जो है तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार के हिसाब से देखा जाए पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पृथ्वी क्या है कि दोनों ध्रुवों के पास, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, लेकिन जो बीच में ऊपर चपटी, बीच में जो है उसमें थोड़ा सा उठाव है। अब आप देखिए, ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका इसके आकार को भू आव, इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जाहिर सी बात है पृथ्वी पर ही सिर्फ क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, पृथ्वी पे पानी पाया जाता है, तो जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती हैं,
पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, एक तो ना तो जब बहुत ज्यादा गर्म, अगर मान लीजिए पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो पानी जलवाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है, ठंडी हो गई तो पूरा का पूरा पानी जम जाएगा। तो पृथ्वी क्या है? ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडी है। और यहां पानी और वायु सबसे इंपॉर्टेंट, पानी और हवा, पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में ऑक्सीजन के लिए आवश्यक गैस, सॉरी, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, तो आंसर होगा पृथ्वी। अब कुछ लोग शनि लगा के आते हैं, कुछ लोग बृहस्पति लगा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके छल्लों के वजह से, उनके संग चंद्रमा की वजह से, बहुत ज्यादा चंद्रमा उनके पास है, लेकिन अद्भुत ग्रह पृथ्वी है। क्यों अद्भुत ग्रह है? एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी। अगर गर्म होती तो पानी क्या होता? वाष्पीकरण हो जाता, पानी भाप बन के उड़ जाता वायुमंडल में। अगर ठंडी होता तो जो पानी जो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित, यहाँ पर पानी और हवा दोनों उपस्थित जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका दो तिहाई हिस्सा किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा किससे ढका हुआ? पानी से ढका हुआ है। इसीलिए पृथ्वी हमें आकाश से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है। किस तरह से दिखाई पड़ती है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ठीक, अब बात करते हैं पृथ्वी के उपग्रह की। ठीक, अब देखिए चंद्रमा की बात करेंगे। पृथ्वी चंद्रमा के पास, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। मैंने कहा था जो ग्रह की परिक्रमा करे, ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तारों की करते हैं। एक तारा होगा उसकी परिक्रमा करेगा, जैसे सूरज, सूरज की परिक्रमा पृथ्वी, और पृथ्वी की परिक्रमा चांद, चंदा मामा। तो चंदा मामा क्या है? एक तरह के उपग्रह है। किसके? पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं? पृथ्वी। अगर सूर्य के चारों ओर घूमते तब एक ग्रह कहलाता, तब चांद क्या होता? उपग्रह ना होके ग्रह कहलाता। ठीक, यही तो कह रहे हैं हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चांद या चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल एक चौथाई, या मतलब अगर कहा जाए तो इसका व्यास जो है ना केवल पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा है। ठीक, अगर पृथ्वी आपकी जो है, पृथ्वी का साइज ये है, तो इसका साइज जो हमारा ये होगा एक चौथाई हिस्सा। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से, या हमारे ग्रह से अन्य खगोली पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। तो सिंपल भाषा समझ लेते हैं, बहुत किताबी भाषा बहुत जो है क्या है, क्लिष्ट है, यानी कठिन है। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब है कि आकाश में और भी तारे हैं, और भी खगोलीय पिंड है, वो हमको इतने बड़े क्यों नहीं दिखाई देते? तो पृथ्वी से चांद इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है, सूरज तो बहुत बड़ा है इसलिए हमको दिखाई देता है बड़ा सा, लेकिन चांद तो छोटा सूरज से और पृथ्वी से बहुत छोटा है। जब सूरज से छोटा हमारी पृथ्वी और पृथ्वी से हमारा छोटा क्या चांद है, लेकिन तब भी चांद क्या हमारी पृथ्वी से अगर देखते हैं तो सूरज के लगभग बराबर दिखती है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि जो है ये चांद जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक, बाकी अन्य तारों के अपेक्षा, बाकी अन्य ग्रहों के अपेक्षा, बाकी अन्य ग्रहों के अपेक्षा क्या है कि जो चांद है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसीलिए हमको क्या दिखती है, इसीलिए बड़ी दिखती है। ठीक, यह हमसे लगभग कितना दूरी पे है? 384,400 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं,
अब आप क्या कर सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ठीक, वो कितना था, 15 करोड़ किलोमीटर दूर था और ये 384,400 किलोमीटर। अब वो 15 करोड़ और ये कहां पे, ठीक चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग जो है 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में या अपने कक्ष पर एक चक्कर ही पूरा कर लेता है, मतलब अपना कक्ष। देखिए एक है किसी भी, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी अपनी कक्ष पे घूम रहा है। जैसे हम लट्टू देखते ना, लट्टू लट्टू क्या करता है, अपनी कक्ष पे घूमता है। अब चंद्रमा अपनी कक्ष पे घूमते 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 पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेती है। कब पूरा कर लेती है, 27 दिन में, ठीक है, या अपनी कक्ष पर एक चक्कर ही पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी से हमें सिर्फ चंद्रमा का क्या दिखाई पड़ता है, एक ही भाग, दूसरा भाग हम आज तक देख ही नहीं पाए। यानी पृथ्वी से किसी मनुष्य ने आज तक चंद्रमा का पीछे वाला हिस्सा नहीं देख पाया कि कैसा है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। मैंने कहा था अभी आपको कि जो है इनकी छाया को हम देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, पूर्णिमा के दिन, कब देख सकते हैं, पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। चलिए अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा की जो परिस्थितियां जीवन के लिए क्या कैसी, अनुकूल नहीं है, इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरा बिल्कुल गोल सा सुंदर सा चमकता हुआ हमें आकाश में दिखता है, तो हम देखते हैं उसमें काले काले धब्बे दिखते हैं, वही उसके गड्ढे हैं, वही जो गड्ढे वो छाया के रूप में दिखता है, क्योंकि वहां पर जो सूरज की रोशनी है वो नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो हमें दिखता नहीं। वहां क्या दिखता है, गड्ढे यानी छाया, क्या दिखता है, छाया। ठीक, अब देखते हैं उपग्रह पढ़ लिया हम लोगों ने, अब बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। किसकी बात करेंगे, क्षुद्र ग्रह की। देखिए इसमें है तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो है असंख्य संख्या, मैंने भी दिखाया था आप लोगों को कि जो है मंगल और जो है, चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से, देखिए ये वाला हिस्सा मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पट्टी है, छोटे छोटे जो हमारे टुकड़े हैं, ठीक है, यही हमारे क्या है, क्षुद्र ग्रह। ये भी क्या कर रहे हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वही तो कहा जा रहा है यहाँ पे भी कि जो है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी दिखाया मैंने आपको मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट के अलग हुए। मैंने पहले ही बताया था क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो
ग्रहों का टूटा हुआ भाग होता है। ग्रह जब डेड हो जाता है वो विस्फोट के साथ टूट जाता है, तो जब टूटता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो सौर मंडल में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह पट्टी जो पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं हम उल्का पिंड की, कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो उल्का पिंड देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्या है, छोटे छोटे पत्थरों को टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब देखिए, उल्का पिंड क्या होते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यही जो उल्का पिंड जब किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो उसके वायुमंडल के घर्षण के कारण वो जल जाता है, और जलने के साथ साथ क्या करता है, एक प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो एक प्रकाश उत्पन्न होता है। और अगर वो जल गया पूरी तरह तो वायुमंडल में क्या हो जाएगा, उसकी राख उड़ जाएगी, वायुमंडल मिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर वो पूरी तरह से नहीं जलेगा तो उसका बचा हुआ टुकड़ा क्या होगा, वो धरातल पर गिरेगा। मान लीजिए कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, तो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण की वजह से वो जल जाएगा। और मान लीजिए वो पूरी तरह से नहीं जलेगा तो पृथ्वी की सतह पर गिरेगा, और पृथ्वी की सतह पर जहां पर गिरेगा वहां पर क्या बना देगा, एक विशाल गड्ढा बना देगा। क्या बना देगा, विशाल गड्ढा बना देगा। आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि उल्का पिंड गिरने से ही डायनासोर की क्या हो गई थी, पृथ्वी से नामो निशान खत्म हो गया था। जिनका पृथ्वी पूरा राज चला था डायनासोरों का, उनका जो विनाश कैसे हुआ था, पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से ही हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है कि जब उल्का पिंड धरातल पर गिरते हैं तो वहां क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। और अगर बड़ा उल्का पिंड गिर गया तो जिस जैसे डायनासोर के टाइम पे हुआ था वैसे वर्तमान में हो सकता, ठीक है, फिर भी अभी कोई इसकी संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि खुले आसमान में तारों की चमकती हुई चौड़ी पट्टी, ठीक, यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल हमारा सूरज तथा उसके ग्रह जो 8 ग्रह हैं, और तथा उनके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, ये हमारे सौर मंडल के क्या हैं, परिवार हैं। और सौर मंडल जो हमारा सौर मंडल है वो किसका हिस्सा है, वो है आकाश गंगा का। किसका हिस्सा है, वो है आकाश गंगा का, मिल्की वे। किसका हिस्सा है, आकाश गंगा का, मिल्की वे का, ठीक। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में एक प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी प्राचीन काल में भारत में इसकी कल्पना कैसे की गई थी कि आकाश में एक जो है नदी बह रही हो, आकाश में क्या बह रही हो, नदी बह रही हो, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया था, आकाश गंगा पड़ गया था। आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है।
इस प्रकार की लाखों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्याधिक कठिन है। ठीक, तो ब्रह्मांड क्या होता है? तो सबसे पहले सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? एक तारा तथा उसके जो है ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र तारे, क्षुद्र ग्रह और जो है उल्कापिंड। ये सब हमारा एक हो गया सौरमंडल। और सौरमंडल किसका हिस्सा है? सौरमंडल एक जो है आकाशगंगा, मिल्की वे, यानी तारों का समूह, यानी कह सकते हैं हम कि सौर मंडलों का समूह, कई सौर मंडल मिलके एक मिल्की वे का निर्माण करते हैं और कई मिल्की वे बनके एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, करते हैं। और इनका जो कल्पना करना क्या है, इनकी विशालता का कल्पना करना अत्याधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, हम इस पूरे ब्रह्मांड को नहीं जानते। वैज्ञानिक अभी क्या है, जुटे हैं जानकारी लेने में कि ब्रह्मांड कहां तक फैला, कितना विशाल है। ये हमारे अभी भी हमारे जानकारी में, हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी में नहीं है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना बड़ा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम किसके हिस्से हैं, इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ठीक है, मिल्की वे इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, और मिल्की वे में जितने सौर परिवार हैं, सौर मंडल है, उस सौर मंडल में एक सौर मंडल जो सूरज का सौर मंडल है, जिसका हिस्सा हमारी क्या है, पृथ्वी। ठीक, तो चलिए आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। बाकी जो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगले सेशन में शुरू होगा, अगले क्लास में शुरू होगा। ठीक, तो हमने यहां तक पढ़ लिया पूरा का पूरा क्या क्या होता है। अब जो हम देख लेते हैं एक बार एक नजर में अभ्यास प्रश्न, ग्रह और तारों में क्या अंतर है। मैंने बताया था ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं। ग्रह गैसी गोल पिंड होते हैं जिनके पास अपनी क्या होती है, ऊष्मा और अपनी जो ऊर्जा और प्रकाश होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जिनके पास जो है अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश उन्हें तारे कहते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो यानी सौर मंडल क्या, तारों का समूह, मिल्की वे का समूह। ठीक है, जिनके जो है ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी है, उसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सूर्य से इसकी दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम लिखिए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। मैंने बताया यह जो ग्रह क्या, पृथ्वी जो है ना तो अत्यधिक गर्म ना तो अत्यधिक ठंडी है, और यहाँ पर वायु के साथ, यहाँ पे जल के साथ साथ वायु पाया जाता है जो जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और वायु में भी क्या, ऑक्सीजन, जिसे हम प्राण दायनी वायु कहते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चांद को एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि चांद जब तक जो है हमारी पृथ्वी की एक चक्कर लगाता है, तब तक वह अपने ध्रुव पे भी एक चक्कर लगा लेता है, तब तक वह अपने जो है वो अपना खुद का जो है एक चक्कर, एक घूर्ण पूरा कर लेता है। ठीक, इसीलिए हम हमेशा चांद को एक ही भाग देख। ब्रह्मांड क्या कह, ब्रह्मांड क्या है। ठीक, और इन सारे जो जितने भी अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं इनको आप सॉल्व करेंगे और आप इसको समझेंगे। ठीक है, बाकी देखिए इसमें दिया हुआ है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम जाना जाता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को किस ग्रह को, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा, मैं आप लोगों को 5 सेकंड बाद बताऊंगा इसका आंसर। किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। क्यों, क्योंकि आकार और आकृति में क्या है, सेम है। आकार और आकृति में पृथ्वी के समान है, इसीलिए उसका जुड़वा बन गया। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो मैंने बताया था सूर्य बन गया। दूसरा पहला क्या है आपका जो है शुक्र, मंगल है। दूसरा क्या है, सॉरी, पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा हमारा पृथ्वी और चौथा हमारा मंगल।
तो ये कौन सा पूछ रहा है? ये तीसरा पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? तीसरा। तो तीसरा क्या हमारी खुद की पृथ्वी है, खुद की पृथ्वी है। सूरज, सूरज की जो सबसे नजदीक हमारा कौन सा है? आप देखेंगे कि बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक, और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें भी देखेंगे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये है दीर्घ वृत्ताकार। किस पे है? दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो मैंने बताया था हमेशा उत्तर में रहता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अब देखिए इसमें दे रखा शनि बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, जाहिर सी बात है इसमें मंगल और बृहस्पति के बीच में खाली स्थान को भरना है। ठीक, तो खाली स्थान को भरने के लिए का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता उसे कहते हैं। तो इन जो खाली स्थानों को आप वीडियो को देखिएगा और इनको बड़े आसानी से भरिएगा, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, जितना बेहतर आप वीडियो को देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना बेहतर आपको सीखने को मिलेगा और उतने ही अच्छे आप आंसर लिख पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। देखिए ये जो हमारा प्रोग्राम है वो जूनियर आईएएस का प्रोग्राम है, यानी हम बच्चों को, आप लोगों को अभी से उस माहौल में ले जाना चाहते हैं, उस जो है कितनी उस माहौल के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहते हैं जिनके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, जो आईएएस बनने के लिए सबसे जरूरी होती है। तो हम अभी से आप लोग की जो है चीजों को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। तो आप लोग जो है रेगुलर वीडियो देखिए और वीडियो को जो है बेहतर तरीके से समझिए और इसे नोट्स बनाइए। आपके वर्तमान क्लास में भी इसका जो बेनिफिट मिलेगा आपको और आने वाले टाइम में, आने वाले जो भविष्य में, आप फ्यूचर में आपको ये बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इससे नोट्स बनाएगा और ये जो खाली स्थान भरने के लिए दे रखा है इसको आप जो है स्वतः ही भरेंगे। ठीक,